अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख। और दोस्तों, ये जो मार्च का महीना रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा बिजी महीना रहा है। मतलब हर रोज़ नए नए स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं। आज दोस्तों 30 मार्च है और ऑलरेडी 30 से ज़्यादा स्मार्टफोन्स लॉन्च हो चुके हैं। एंड हर रोज़ इनके बारे में वीडियोस बनाने में दोस्तों टेक यूट्यूबर्स की हालत ख़राब हो चुकी है। मतलब मेरी भी दोस्तों कुछ वही हालात है, लेकिन कोई बात नहीं गाइज। जो ये महीना रहा है, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव महीना भी रहा है। एंड ख़ास करके Xiaomi ब्रांड के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, क्योंकि इस मार्च 2021 के महीने में उन्होंने कुछ ऐसा कमाल किया दोस्तों, जो कि कोई और ब्रांड नहीं कर पाया है। चाहे अगर बात करें दोस्तों Xiaomi Redmi Note 10 सीरीज के बारे में, जो कि कमाल प्राइसिंग में, कमाल हार्डवेयर के साथ में आता है, या फिर अगर बात करें दोस्तों MI 11 अल्ट्रा सीरीज के बारे में, जिसमें आता है MI 11 अल्ट्रा, MI 11 प्रो या फिर MI 11 लाइट, जो कि दोस्तों सब के सब फ्लैगशिप ग्रेड के स्मार्टफोन्स हैं। या फिर अगर बात करें दोस्तों आज लॉन्च हुई वो डिवाइस के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों Xiaomi का MI Mix Fold। जी हाँ दोस्तों, यह एक फोल्डेबल कॉन्सेप्ट वाला स्मार्टफोन है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा Samsung Galaxy Fold 2 जैसा ही लगता है। कुछ सिमिलर ही डिज़ाइन के साथ में आता है, वैसा ही हिंज है दोस्तों, उसी तरह से फोल्डेबल कॉन्सेप्ट है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों जो ये स्मार्टफोन है, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, काफ़ी अच्छे प्राइसिंग में आता है एंड काफ़ी अच्छा हार्डवेयर आप लोगों के लिए लेकर के आता है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों Xiaomi के MI Mix Fold के बारे में। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, पर वीडियो देखने जरूर आ जाना। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं MI Mix Fold के बारे में, जो कि दोस्तों एक तरह से मैं कहूंगा कि रिवोल्यूशन ला देगा फोल्डेबल कॉन्सेप्ट डिजाइन में। जी हां दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले चीज इनकी प्राइसिंग 1 लाख रुपए से स्टार्ट होती है दोस्तों, और 1 लाख 10 हज़ार या 1 लाख 20 हज़ार रुपए तक जाती है। मतलब फोल्डेबल्स की दुनिया में ये सबसे सस्ते फोल्डेबल स्मार्टफोन बन चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों कि सस्ता है तो हार्डवेयर में कोई भी कमी है, हर एक हार्डवेयर दोस्तों यहाँ पे टॉप नॉच लेवल का। तो सबसे पहले चीज दोस्तों, इसमें भी आपको अंदर के साइड में एक स्क्रीन मिल जाता है, जो कि बड़ी सी स्क्रीन है दोस्तों टैबलेट साइज की, जिसे आप फोल्ड करके बंद कर सकते हैं। एंड बाहर के साइड में भी दोस्तों आपको एक सिंगल स्क्रीन मिल जाता है क्विक टास्क वगैरह करने के लिए दोस्तों, नॉर्मली फोन की तरह यूज करने के लिए। तो जी दोस्तों, इसमें आपको टैबलेट और फोन दोनों का ही मजा मिलने वाला है। तो जो अंदर की स्क्रीन है दोस्तों, वो एक 4:3 रेशियो वाला है, जो कि WQHD+ रेजोल्यूशन के साथ में आता है, यानी कि आप मान सकते हो लगभग 2K रेजोल्यूशन के साथ में आता है दोस्तों, जो कि एक OLED पैनल दिया गया है। लेकिन दोस्तों बेसिकली क्योंकि एक फोल्डेबल फोन है, तो फोल्डेबल OLED दिया गया, यानी कि एक प्लास्टिक OLED पैनल दिया गया है, तो स्क्रैचिंग वगैरह में तो दिक्कत आनी ही है दोस्तों, सभी फोल्डेबल ऐसे ही होते हैं। बट बेसिकली दोस्तों चलो, काफी अच्छा यहाँ पे OLED पैनल आपको मिल जाता है, जिसकी पीक ब्राइटनेस आपको 900 निट्स की मिल जाती है। NSDR 10+ वगैरह सपोर्ट करता है दोस्तों, Dolby Vision वगैरह सपोर्ट करता है, तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। मतलब जो डिस्प्ले है वो एकदम से टॉप नॉच का इन्होंने यहाँ पे दिया है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों बाहर के डिस्प्ले के बारे में, तो जो अंदर का डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा 8.1 इंचेस का है दोस्तों, लेकिन जो बाहर का डिस्प्ले है वो 6.5 इंचेस का आपको दिया गया, यानी कि जो नॉर्मल हम लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं दोस्तों, उतना ही बड़ा आपको एक काफ़ी ज़्यादा दोस्तों पतला सा डिस्प्ले आपको दिया। लेकिन दूसरी अच्छी बात यह है दोस्तों कि जो बाहर का डिस्प्ले है वो एक 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, तो जो अंदर का डिस्प्ले है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ 60 हर्ट्ज़ तक ही जाता है, क्योंकि दोस्तों टैबलेट वगैरह वर्क के लिए। लेकिन जो बाहर का डिस्प्ले है दोस्तों वो 90 हर्ट्ज़ का आपको यहाँ पर दिया गया है। लेकिन अगर उसके अलावा कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लें दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो ये स्मार्टफोन है, इसमें आपको मिलते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर, जो कि अब तक का टॉप नॉच लेवल वाला प्रोसेसर है। लेकिन उसी के साथ साथ में दोस्तों यहां पे UFS 3.1 की स्टोरेज इस्तेमाल की गई है दोस्तों, 256 GB का और 512 GB का। लेकिन जो रैम है दोस्तों वो भी LPDDR5 का रैम दिया गया है। एंड ये जो रैम है दोस्तों आपको 3200 MHz पे काम करता है, यानी कि बिल्कुल ही दोस्तों टॉप नॉच लेवल का आपको यहां पर रैम दिया गया है। अगर बात करें दोस्तों कैमराज के बारे में, तो सबसे पहले आपको मिलता है 108 MP का प्राइमरी सेंसर, जो कि सैमसंग का HM2 सेंसर के साथ में आता है, जो कि 7-piece लेंस के साथ में बनाया गया है। जो इफेक्टिव लेंस साइज है दोस्तों वो 2.1 micron की हो जाती है 9:1 pixel करने के बाद में, तो काफ़ी कमाल के फोटोज इससे आने वाले हैं। एंड जो दूसरा कैमरा मिलता है दोस्तों वह है 1.3 MP का वाइड एंगल लेंस ये लोग देते हैं। लेकिन जो असली जादू है दोस्तों वो इसके तीसरे कैमरे में, जो कि टेलीफोटो लेंस भी है और मैक्रो लेंस भी है। जी हाँ दोस्तों, टेलीफोटो में भी फोटो खींच सकता है एंड मैक्रो में भी खींच सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें इस्तेमाल किया गया है लिक्विड लेंस। तो अगर आपको नहीं पता लिक्विड लेंस क्या होता है, तो मैंने काफ़ी अच्छे से समझा रखा है दोस्तों, आप मेरी ये वाली वीडियो जा करके देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया कैसे लिक्विड लेंस काम करता है, इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या फ़ायदे हैं।
तो इस लिक्विड लेंस के मदद से दोस्तों जो 8 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है उससे आप बिल्कुल दोस्तों 30x जूम भी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप बिल्कुल करीब भी जा सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को 8 मेगापिक्सल के सेंसर से। दोस्तों यहाँ पे मैक्रो फोटोज भी ले सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ दी गई है। तो बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है एंड फर्स्ट टाइम ऐसा कोई स्मार्टफोन आया दोस्तों जिसमें हमें लिक्विड लेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एक अलग ही लेवल पर यह स्मार्टफोन चला जाता है। उसके अलावा दोस्तों इसमें आपको फ्रंट कैमरा भी दिया गया जो कि 20 मेगापिक्सल का है, तो कोई कमी नहीं है दोस्तों यहाँ पे कैमरा में। एंड जो स्पीकर्स है आपको क्वाड स्पीकर्स दिए गए, यानी कि पूरी जो टैबलेट उसमें आपको 4 अलग अलग स्पीकर मिल जाते हैं दोस्तों चारों साइड्स में, तो साउंड के लिए भी दोस्तों मतलब एक टॉप नॉच लेवल का हम लोग कहेंगे। एंड जो साउंड दोस्तों वो भी हार्मन कार्डन की तरफ से आता है। अब जो बैटरी मिलता है दोस्तों वो एक 5020 mAh की बैटरी है, तो टैबलेट के हिसाब से मुझे थोड़ी सी कम बैटरी इसमें लगी, बट ओवरऑल दोस्तों ठीक ठाक बैटरी अगर आप नॉर्मली यूज़ करना चाहते हो। एंड 67W का ये फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है दोस्तों, तो अगेन एक कमाल की बात है। उसके अलावा दोस्तों जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको साइड में दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं लाया गया था, ये थोड़ा सा जो है कमी बन जाता है इस स्मार्टफोन को देखते हुए, बट ओवरऑल इतना ज़्यादा जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस बताया वो इसलिए बताया क्योंकि ये सारा का सारा जो पैकेज है दोस्तों आपको 1 लाख रुपये में मिलता है और 1,10,000 या 1,20,000 रुपये के आसपास में मिलता है। एंड इस तरह की क्रेजी प्राइसिंग में इस तरह का क्रेजी प्रोडक्ट ये लोग ले करके आए दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की बात। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मी मिक्स फोल्ड का एक और एडिशन है दोस्तों जिसे स्पेशल एडिशन कह रहे हैं, जिसमें सिरामिक इस्तेमाल किया गया दोस्तों बैक की पूरी की पूरी बॉडी में, तो इससे जो बिल्ड क्वालिटी वो और भी ज्यादा टॉप नॉच लेवल की चली जाएगी। लेकिन वो जो सिरेमिक वाला सिस्टम है दोस्तों वो हो सकता है ज्यादा महंगा है, 1.5 लाख या फिर 1,70,000 रुपए के आसपास है, तो ये मैं आपको बता दूं। तो सब कुछ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बस देखना ये है कि क्या ये जो मी मिक्स फोल्ड है वो मार्केट में सबको किल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और क्या इसका जो हिंज है वो ड्यूरेबल है या नहीं है, या फिर हमें ये भी पता लगाना होगा दोस्तों हैंड्स ऑन वीडियोज़ को देख करके क्या इसका जो बीच में क्रीज मिलता है क्या वो दिखता है या नहीं दिखता, या फिर क्रीज से कहीं ख़राब तो ना हो जाए। क्योंकि पुराने जो भी दोस्तों आए हैं स्मार्टफोन्स, चाहे वो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड बात कर लो या फिर मोटोरोला का मोटो जी फोल्ड बात कर लो, सब में दोस्तों क्रीज की इशू रही है, सब में ड्यूरेबिलिटी की इशू रही है, तो ये शाओमी कितना ज्यादा ड्यूरेबल होता है ये देखने में बनेगा। बट ओवरऑल दोस्तों Xiaomi मार्च के महीने में सबको किल करके रख चुका है, एंड आगे भी हो सकता है कि Xiaomi अपनी लेगेसी को ऐसे ही कंटिन्यू रखे। तब तक के लिए दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो देने शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वीडियोस देखने आ जाना। शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद।